हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है, उसका एक नया अपडेट आया है। उस मॉड्यूल का नाम है होम अप मॉड्यूल। दोस्तों उस अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे ही टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में, या फिर अगर आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी स्टोर पे। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर आऊँगा अपने गुडलक ऐप में, तो जैसे ही आप उसको गुडलक ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको देखेंगे नीचे की तरफ ये होम अप में एक नया अपडेट आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको वहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे ले जाएगा। जैसे ही आप गैलेक्सी स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि ये नया अपडेट अवेलेबल है। आप देख रहे होंगे ये नया अपडेट आया। यहाँ पर व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिक्स सम एरर किए गए, मतलब कि जो भी कुछ इसमें बक्सेस होंगे उसको फिक्स आउट किया गया है और कुछ एनहांस फीचर को वो रोल आउट किया गया है। जब भी कोई अपडेट आता है उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स को रोल आउट नहीं करते, होता नहीं कि कुछ कुछ फीचर्स को रोल आउट किया गया, बट बक्सेस को फिक्स किया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया जाता है और कुछ भी नॉर्मल एनहांस फीचर को अपलोड किया जाता है। जैसे नीचे आएंगे आप देखेंगे इस अपडेट को 14 तारीख को, मतलब कल के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जो कि 22 MB का ये अपडेट है। ये सबको अलग अलग डिवाइस के हिसाब से सबको मिल जाएगा, एक आध दो दिन में सबको मिल जाएगा। अभी मेरे पास आ चुका है, मतलब आप लोगों के पास भी धीरे धीरे रोल आउट हो जाएगा, तो उसको आपको अपडेट कर लेना है। और अगर आपको नहीं पता कि होम अप से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस ऐप के अंदर क्या क्या होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको इसके अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा अपने गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में जाने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहां पर आपका ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको क्या मिलता है, 3 डॉट्स में जाएंगे तो अबाउट मिलेगा, यहां पर होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको यहां पर होम स्क्रीन के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, 4x6 कर सकते हैं, व्यू विजार्ड लार्जर, यहां पर आपको इस सबको अरेंज कर लेना है, फेवरेट पे डाल सकते हैं, लूप ऐप कर सकते हैं, एक एक चीज यहां पर आपको डीपली यहां पर दिया गया है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल करना है तो आप यहां से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना बैकग्राउंड कंट्रोल में रहे कितना नहीं रहे, ये सब चीज यहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर फोल्डर का कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, पॉपअप फोल्डर के स्टाइल कैसा रहे, फोल्डर टाइटल सजेशन कैसा रहा है, तो यहाँ पर आपको मतलब कि होम अप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छा फीचर जो है इसका टास्क चेंजर, आप इसका टास्क चेंजर यूज कर सकते हैं जो कि बहुत बेहतरीन यूज करता है। अगर आप इसको वर्टिकल कर लेंगे, स्टैक कर लेंगे तो आपको ये रिसेंट की लिस्ट ऐसी ऐसी मिलने वाली है। तो ये जो टास्क मैनेजर है सबसे बेस्ट इसका पार्ट है होम अप का। और ये जो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ये भी होम अप का ही पार्ट है, तो ये सब चीज़ें आपको होम अप के अंदर मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, बैक आना है ऐप लिस्ट के लिए, होम स्क्रीन पे जाना है, होम लिस्ट के अंदर आपको ये मिलेगा ऐप लिस्ट वाला ऑप्शन, आपको इसको इनेबल कर लेना है, तो अब आपको ऐप लिस्ट ऐसे मिलने लग जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दूंगा, जाके आप जरूर देखना। और आज की अपडेट में सिर्फ बग्स को फिक्स किया गया है और कुछ इनहांस फीचर को इम्प्रूव किया गया है। ऐसी नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।